नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। इस वक्त हम खड़े हैं सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र पर। यह वही इलाका है जहां से कांग्रेस की दिग्गज महिला नेत्री विमला वर्मा लगातार 23 साल तक विधायक रहीं। यह वही इलाका है जहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता हरवंश सिंह लगातार 20 सालों तक विधायक रहे। कांग्रेस के इस अभेद किले को बीजेपी सिर्फ दो ही बार तोड़ने में कामयाब हो पाई है। एक बार साल 1990 में बीजेपी की नेहा सिंह जीती यहां से, जो फिलवक्त कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, और 2018 में बीजेपी से जीते राकेश पाल सिंह, जो एक जमाने पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। बहरहाल, विधानसभा चुनाव को एक साल का वक्त बाकी है। हमने सोचा कि यहाँ के नेताओं से बात की जाए, जनता की बात सुनी जाए, यहाँ के मुद्दों को टटोला जाए। हमारे साथ मौजूद हैं केवलारी के विधायक बीजेपी से राकेश पाल सिंह जी, बीजेपी के तमाम दूसरे नेता, सचिन अवधिया जी मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर, कांग्रेस की तरफ से जिला संगठन मंत्री महामंत्री सुभाष बघेल जी, महोबिया जी, रफीक भाई हैं, तमाम दूसरे नेता पर यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी चौपाल। सबसे पहले बात करेंगे विधायक राकेश पाल जी से कि विधायक जी, पिछले 4 सालों में क्या उपलब्धियाँ हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव में? उपलब्धि तो बहुत सारी हैं और कुछ जो है अंडर प्रोसेस भी हैं। जैसे बिजली की एक बड़ी समस्या इस केवलारी पलारी और उगली क्षेत्र में होती थी, तो हमने कोशिश करके 132/33 केवी का जो है सब स्टेशन जो है, जो कि करीब 80 करोड़ की लागत से बनेगा, उसको हमने स्वीकृत करा लिया। और उसके लिए जो है अडानी ग्रुप जो है उसको जो है बनाएगा, जमीन का चयन भी हो चुका है और उनके वर्क आर्डर भी हो चुके हैं। और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में सड़कों की अपनी बात देखो तो करीब हमने इन 4 सालों के अंदर सुदूर संपर्क सड़कें जो हैं करीब 150 से ऊपर सुदूर संपर्क सड़कें हमने जो हैं अपनी ठीक करवाई हैं। एक हमारी प्रमुख सड़क थी खरसारू से डोब तक, जो बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, जिसका कोई संभावना दूर तक दिखती नहीं थी, वो सड़क जो है हमने मंजूर भी करा ली, उसके टेंडर भी हो गए। और उस सड़क से जुड़ने वाली एक दूसरी सड़क है खरसारू से थावरी केवलारी खेड़ा होते हुए चिड़ी तक पहुंचने वाली जो सड़क है, उसको भी हमने जो है भोपाल में जो है अप्रूव करा लिया है। तो सड़क के मामले में लगभग जो है हम अच्छी स्थिति में हैं। वर्तमान में सुदूर संपर्क सड़कें जो हैं बंद हो गई हैं, भोपाल से अनुमति मिल रही है, इसलिए कुछ कार्यों में अवरोध हो रहा है। और नहीं तो ये साल के अंदर हमारा टारगेट था कि 200 से ऊपर हम सुदूर संपर्क सड़कों को अपना नियोजित कर लें। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया आपने 4 सालों में? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हमने धनौरा में डिग्री कॉलेज लेके आए। डिग्री कॉलेज की वहाँ पर लंबित मांग थी, हमने धनौरा में डिग्री कॉलेज लेके आए। करीब 5 हमने हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी जो है अपग्रेड किए हैं। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में हमने व्यक्तिगत तौर पर, मैंने अपनी विधायक निधि से कंप्यूटराइज क्लासेस के लिए जो है, मैंने स्मार्ट क्लासेस के लिए जो है मैंने अपना फंड दिया है। करीब 40 से ऊपर स्कूल हैं जहां पर मैंने स्मार्ट क्लासेस जो हैं चालू करवाए। केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने कोशिश नहीं की? हाँ, केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने और हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम दोनों ने मिलके आदरणीय मानव संसाधन मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने आश्वस्त किया, और मैं समझता हूँ साल भर के अंदर इस योजना पर भी जो है काम हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय केवलारी में खुलेगा। चल बताइए, हम आपसे बात करेंगे, हम पहले कांग्रेस से बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाने वाली विधानसभा चुनाव में? सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है, तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी। गाँव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए कांग्रेस काम करती है। पंडित जी, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, विमला जी, हरवंश सिंह जी, तमाम लोगों का केवलारी विधानसभा में योगदान रहा है। चाहे केंद्रीय विद्यालय कानीवाड़ा का हो या जिला शिक्षा नवोदय विद्यालय कानीवाड़ा का हो, चाहे भीमगढ़ बांध हो जो एशिया का सबसे बड़ा है, चाहे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान हो, तमाम, और इस विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, पंचायत मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा के जिला के विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं,
और विधायक या मैं आपको टोकूंगा इसी बात से, आपने इतना लंबा परिचय दिया, आप बताइए कि इतना लंबा परिचय, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहां से चुनी गई है, लेकिन तस्वीर तो मुझे कुछ बदलती दिखाई नहीं देती। 20 सालों में कुछ केवलारी बदला हो? 20 सालों में केवलारी कितना बदला है ये केवलारी से आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे। आप अभी जो किसान है, किसान आज जिस स्थिति में है तो वो भीमगढ़ डैम के कारण है। भीमगढ़ डैम बना था, बनने के बाद उसकी नहरें बनवाए और एक एक खेत पर पानी पहुंचाने का उन्होंने काम किया। काडा नाली का जो काम आया उस समय, लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट है, एक एक जनप्रतिनिधि ने, जल उपभोक्ता संस्था का जो अध्यक्ष होता है, उन्होंने करोड़ों रुपए का काम कराया। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो नहरें बनी हैं पिछले 5 सालों में, नहरों में एक छिटुआ इनने मिट्टी भी डलवाए हों, मैं कहता हूँ कहीं कोई एक आध स्टॉप डैम बनवाए हों। केवलारी के तो आसपास नदियां बह रही हैं, उन्होंने स्टॉप डैम बनवाया, पुल पुलिया तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं, रोजगार गारंटी योजना सिवनी जिले में, रोजगार गारंटी योजना लास्ट समय में सिवनी जिले को शामिल किया गया, तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपसे। देश में आनी थी ना जी, नहीं पहले बार 15 जिले आए थे, फर्स्ट टाइम पे 15 जिलों को मध्य प्रदेश में सेलेक्ट किया गया था, सिवनी जिले को लास्ट में सेलेक्ट किया गया था, ये मैं आपको बता दूँ। मतलब पहले जो हमारे यहाँ के विधायक थे माननीय हरबंस सिंह जी, वो फर्स्ट टाइम में ही विधायक बने थे और त्रिविभागीय मंत्री बने वो। मेरा ये कहने का मतलब है कि आज सिवनी जिले को, ना केवल केवलारी विधानसभा, सिवनी जिले को यदि जाना जाता है तो उनके नाम से जाना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने जो कुछ भी अभी बोला कुछ भी नहीं है। अभी 4 दिन पहले आपने हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और भी अन्य जो चीज़ें हैं यहाँ, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो तो यहाँ पहले से हैं। आपने क्या कराया, मैं आपसे पूछता हूँ जी। विधायक जी बताइए, कांग्रेस का सवाल है कि आपने क्या कराया 4 सालों में? मैंने क्या कराया वो तो सब छोड़ दीजिए। हरवंश सिंह जी और उनके बेटे रजनीश सिंह ने 25 साल में क्या किया यहाँ पर? 25 साल, 3 साल नेहा सिंह के थे, 25 साल में उन्होंने क्या किया? भीमगढ़ डैम तो बिमला वर्मा जी ने बना दिया, लेकिन आज तक 25 साल के अंदर नहरें जीर्ण शीर्ण हो गई, टेल में पानी नहीं पहुंचता है। पिछले 4 साल से जो है मैं अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद में 4 साल से विधायक हूं, कैसा मैनेजमेंट करके पानी पहुंचाया जाता है ये मैं जानता हूं इस बात को। रही बात मध्य प्रदेश में, पहला प्रयोग मैंने करवाया मनरेगा के माध्यम से, मैंने फंड स्वीकृत करवाया और केवलारी के अंदर जितनी माइनर नहरें हैं इनका सबका मैंने जीर्णोद्धार करवाया मनरेगा के माध्यम से। और आपको एक मजेदार बात बता दूं कि 25 साल के अंदर हरवंश सिंह और रजनी सिंह जी ने इन नहरों की लाइनिंग सीमेंटीकरण के बारे में कभी नहीं सोचा। ये तो मैं जब विधायक बना तब मुझे पता लगा कि इसकी लाइनिंग के बारे में, सीमेंटीकरण के बारे में कभी कोई लेटर प्रोसेस हुई नहीं। और मैं आपको आज बड़े गर्व के साथ ये बताना चाहता हूं कि 204 करोड़ रुपए का सीमेंट लाइनिंग करण का प्रोजेक्ट जो है मैंने तैयार करवाया और उसको जल संसाधन विभाग की जो संस्था है बोदी उससे अप्रूव कराया। बोदी से अप्रूव कराना ही बहुत मुश्किल काम है और उसको अप्रूव कराने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने उसको केंद्रीय जल आयोग में प्रस्ताव को भेजा। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि अभी केंद्रीय जल आयोग की जो है बैठक हुई उसमें उस प्रस्ताव को प्रथम दृष्टि में स्वीकार कर लिया गया और बहुत करके नवंबर तक जो है ये तय हो जाएगा कि सीमेंट लाइनिंग करण का काम जो है कब से प्रारंभ किया जाएगा, उसके टेंडर कब लागू होंगे। ये काम जो है हरवंश सिंह जी ने और रजनी सिंह जी ने नहीं किया और ये इसके लिए कितनी टेल के लोगों को तकलीफ होती है इस बात का अंदाजा उन्होंने कभी लगाया नहीं। रही अस्पताल में ऑक्सीजन की बात, तो कोविड के पीरियड में मैंने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। इस केवलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने 10 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं और करीब 25 मैंने जंबो सिलेंडर दिए हैं। अब यदि उसका रख रखाव डॉक्टर नहीं कर सकता तो ये विधायक का काम तो नहीं कि रोज जाकर मैं वहां देखूं। और रही बात उसकी वजह से यदि कोई घटना घट गई तो उसका दोषी मैं नहीं हूं, उसके दोषी जो लोग हैं उनके संबंधित के खिलाफ जो है मैंने SDM और कलेक्टर को बोला कि जांच करके या तो उसको निलंबित करो या उसको तत्काल वहां से हटाया जाए।
चलिए हम कांग्रेस से फिर बात करते हैं। कांग्रेस एक तरह से नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। आपने जनपद में वॉकओवर दे दिया, नगर परिषद में आपके न रजनीश सिंह जो आपके नेता हैं, जो पिछली बार पूर्व विधायक भी हैं, वो कहीं नजर नहीं आए। सिर्फ 3 पार्षद आपके जीत पाए, छपारा में भी सिर्फ 3 पार्षद जीत पाए। तो मतलब कांग्रेस क्या बीजेपी को वॉकओवर देके ही चल रही है? नहीं, क्यों ऐसा क्यों? आप समय आने दीजिए, 1 साल चुनाव के बचे हैं। विधायक जी के बारे में, माननीय विधायक जी के बारे में भी सब लोग जानते हैं। देखो, जीत जाना अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में ठहरना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये समय और वक्त का तकाजा बताएगा कि चुनाव क्या होता है। हरबंश सिंह जी 20 साल रहे, 5 साल रजनीश भाई रहे, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके कारण वो चुनाव हार गए। लेकिन आप बोले इतने बड़े बड़े काम कराए, फिर उसके बाद क्यों हार जाएंगे? निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, जब हरबंश सिंह जी इस क्षेत्र में आए थे, तब गाँव में जाने लायक रोड नहीं थी, कीचड़ों खबना से लोग आ जा नहीं पाते थे। मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव के अंदर रोडें नहीं थी, गांव के अंदर एक घर से दूसरे घर नहीं जा पाता था आदमी बरसात के दिनों में, जो स्थितियां थी। अब आप अभी क्या है, यहां से सिवनी जिला 53 किलोमीटर है, आपको नहीं मालूम यहां का स्ट्रक्चर क्या है, यहां की परिस्थितियाँ क्या है। लोकल हमने जो देखा है वो हम आपको बता दें कि बैलगाड़ी भी गांव में ऊपर तक नहीं जा सकती थी। कहीं कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां नीचे से बैलगाड़ी तक ऊपर नहीं जा सकती थी, मोटरसाइकिल नीचे रहती थी। मेरा ये कहने का मतलब है, तो माननीय विधायक जी सिवनी में रहते हैं, उनको गांव का परिदृश्य नहीं पता कि यहां कितना काम हुआ है। वहां से यहां जो कामों की आप बात कर रहे हैं वो तो पूरे प्रदेश में हुआ है। हर जगह गांव में सड़कें नहीं थी, आज से 20-25 साल पहले सारी सड़कें बनी हैं। जी, 2004 से चालू हुई। तो आप बताइए, अच्छा ये बताइए, किन मुद्दों को आप लेकर जाएंगे विधायक जी के खिलाफ? आप किन 3 मुद्दों को लेकर जाएंगे? विधायक जी जो कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। जमीनी हकीकत यह है कि विधायक जी से जनता नाराज है और यहाँ लोकल ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में, किन मुद्दों के साथ? बेरोजगार और महंगाई के लेकर साफ। बेरोजगार आप देख रहे हैं देश में, पूरे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के बेनर यानी अभी पूरे बेकार है कि नहीं, इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। और क्या महंगाई, महंगाई और बेरोजगारी की बात करी, एक बार हम फिर विधायक जी से बात करते, फिर तमाम लोगों से बात करेंगे। विधायक जी, महंगाई का कितना असर पड़ेगा? घर में भाभी जी भी बोलती होंगी कि सिलेंडर अब 1053 रुपए का हो गया, तो इस तरह की चर्चाएं होती ना यार, बड़ी महंगाई बढ़ गई है। देखिए, महंगाई जो है वो तो पूरे देश के अंदर है, और महंगाई जो है ग्लोबल है, सिर्फ भारत वर्ष के अंदर नहीं है। ये महंगाई तो जो है पूरे विश्व में सब जगह बढ़ी हुई है। तो कोई ना कोई कारण तो है, कुछ चीज़ों पर जो है कंट्रोल जो है हमारा खुद का नहीं है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उसमें जो है हम खुद बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं है, वो तो जो है हमको जो है आयात करना पड़ता है। जब आयात होता है तो स्वाभाविक रूप से हमको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो गैस सिलेंडर स्वाभाविक रूप से यदि इंटरनेशनल मार्केट में यदि रेट बढ़ेंगे तो गैस सिलेंडर स्वाभाविक रूप से महंगा मिलेगा। चलिए, हम संगठन के लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, महंगाई का मुद्दा दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच बातचीत में निकलता है कि कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है? महंगाई का मुद्दा, पीने की चीजें, महंगाई का मुद्दा जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि विश्व स्तर पर मचा हुआ है, लेकिन आपसे रोज बरोज मुलाकात में आपके मित्र यार दोस्त जो दुकानदार हो, किसान हो, लोग जिक्र करते होंगे ना कि अब चीजें बहुत महंगी हो गई है। घर में आपकी श्रीमती जी भी बोलती होंगी कि अब देखो कितना, पूरा गृह मंत्री तो वही है घर में आपकी। लेकिन देश के हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजना चलाकर लोगों को लाभ दिया है, और कोविड जैसी समस्या में भी लोगों को लाभ दिलाने का काम किया है, और किसी भी चीज का भार आम जनता पे नहीं आने दिया है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि विधायक जी तो सिवनी में रहते हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, हमारे विधायक राकेश पाल जी सिवनी में कम केवलाई विधानसभा में हर दिन रहते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और जो अभी विकास की बात कर रहे थे, 1993 से लेकर 2003 तक भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों आंदोलन किया है, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थे, गड्ढे सड़कों में थी, वो तो 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिनने चहुमुखी विकास किया, और विकास की गति हम निरंतर बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेगी। ये सारे चुनाव हार रहे हैं और आने वाले समय में भी इनकी जमानत जब्त होगी। मैं आज आपसे बोल रहा हूँ जी, बताइए फिलहाल जी जवाब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं हमने इतना काम किए हैं, सिवनी से लेके मंडला रोड जो है, सिवनी मंडला रोड जो है वो 2008 के लगभग PWD मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी थे तब ये बनी है। इसके बाद ये 5 सालों में इतने गड्ढे हैं, कम से कम गड्ढे भरवा दें विधायक जी,
तो मैं बहुत बड़ी बात कहूँ। पूरी खराब रोड बनी है, विधायक जी सड़क का मुद्दा उठा रहे, आपने सड़कों की बात की, अब वो स्टेट हाईवे की बात बता रहा हूँ। एमपीआरडीसी ने बनाया है और ये बनी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, किसी कमलनाथ जी के कार्यकाल में नहीं बनी है। और रही बात रोड को बने करीब जो है मेरे ख्याल से 8 से 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। और पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पे शासन कर रही है। और रही रोड के गड्ढों की बात, तो अभी आप जब सिवनी से आए होंगे आपने देखा होगा रोड रिन्यूअल का काम चल रहा है, ये तो सतत प्रक्रिया है, यदि खराब होगी तो बनेगी। रही बात, इन्होंने कहा कि लोग कीचल में जाते थे, निश्चित रूप से जाते थे, 2003 तक लोग कीचल में गए हैं। ये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद गांव का परिदृश्य बदला है, जो सीमेंटीकरण उन्होंने ग्राम पंचायतों को जो मजबूत किया है, और ग्राम पंचायतों ने जो है सीमेंटीकरण करके जो है गांव के अंदर की सड़क बनाई है, सुदूर संपर्क सड़कों के माध्यम से गांव के बाहर की सड़क बनी है, और गांव से शहर को जोड़ने की सड़क जो है हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेहरबानी की वजह से बनी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनी है। और लगातार विकास का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी है और विनाश का नाम जो है कांग्रेस है। विधायक जी, आप पिछली बार 8,000 वोटों से जीते हैं, इस बार लगभग आप 8,000 वोटों से जीते हैं, तो इस बार क्या आप विजन लेके चल रहे हैं, आप कितनी लीड रहेगी इस बार आपकी? 20,000 के ऊपर से मैं चुनाव जीतूंगा, 20,000 के ऊपर। एक चीज कांग्रेस से लूंगा मैं कि लगातार यहाँ पर एक गुणवाना गणतंत्र पार्टी का फैक्टर है, विधायक जी 8,000 से जीते हैं तो गुणवाना 16,000 वोट लेती है, तो उससे पार कैसे पाएंगे आप लोग? गौड़वाना गणतंत्र पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की पोसी हुई पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही गौड़वाना गणतंत्र पार्टी को आगे किया हुआ है, और उसी के कारण कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आदिवासी नेताओं को और पार्टी को आर्थिक सहयोग, संसाधन का सहयोग करके और आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो आपका आरोप हो गया, मेरा सवाल इससे पार कैसे पाएंगे आप, वो तो करेंगे ही, आपका आरोप है अगर वो ऐसा कर रहे हैं। हमारा तो सीधा सा ये गणित है, हम पिछले 2018 से लेकर 23 तक में हम स्थानीय मुद्दों में जाएंगे, 5 साल में यहाँ स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में कोई सुधार। मुद्दे बता दीजिए, किन 3 मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनपद में आज प्रभारी सीओ बैठी है, सेवा भ्रष्टाचार के कोई नहीं है, 13-15 लाख की पुरिया 3 लाख में बन रहे हैं, ठेकेदार बढ़ रहे हैं, पूरे गांव-गांव में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई विभाग में यहाँ फुल फ्लेश अधिकारी आज की स्थिति में नहीं है, प्रशासन पूरा यहाँ का डैमेज हो गया है, कंट्रोल नहीं है, माने एक प्रशासन कहेंगे अब तानाशाही प्रशासन, माने जो मर्जी आए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं चल रही है, कैसा नहीं, कांग्रेस की नहीं चल रही, विधायक जी की तो चल रही ना, जनता पार्टी के का नहीं, मैं बताऊंगा, प्रमाण मेरे पास है, पार्टी यहाँ के प्रशासन इतना हावी हो गया है और सब प्रभारी बन के बैठे हैं, कोई विभाग ले लो आप, चाहे पीडब्ल्यू ले लो, पीएचई ले लो, जनपद ले लो, राजस्व, कोई विभाग ले लो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपका एक मुद्दा बात बताइए। देखिए ऐसा है जी, भ्रष्टाचार तो होगा, क्यों होगा, जब विधायक जी खुद 7-8 करोड़ रुपए खर्च करके वो विधायक बने, उनने खुद स्वीकार किया इस बात को, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से, जनता आप चुनाव जीते नहीं हैं, 7-8 करोड़ रुपए खर्च करके जो व्यक्ति चुनाव जीता है वो क्या करेगा, बताइए आप मेरे को। एक बड़ा इल्जाम लगा रही कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर, ऐसा मैंने कब कहा, आजकल जो है मिमिक्री का और मिक्सिंग का जमाना है, मुझे बदनाम करने के लिए एक ऑडियो जो है इस तरह का जो है रिलीज किया गया, वो एक मिमिक्री है, वो मेरी आवाज नहीं है, कोई प्रूफ कर दे तो मैं जो है विधायक ही छोड़ दूंगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात कर रही बात, भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार तो इनके 15 महीने के शासन में खुलेआम ऐसा हुआ है कि इनके गांव-गांव के आदमी, इनके गांव-गांव के कार्यकर्ता ने ट्रांसफर उद्योग से जो है लाल हो गया, तो उनके में ज्यादा हुआ, आपके में कम हो रहा है, नहीं, हमारे में तो होता ही नहीं है, हमारे में तो ट्रांसफर उद्योग नाम की कोई चीज ही नहीं है, अभी ट्रांसफर जो है रिलीज किए गए 17 से 5 अक्टूबर तक, इनके पास तो कोई रिलीजिंग डेट ही नहीं थी, इनका तो पूरा ऑल टाइम ओपन खिड़की, आधी रात को जाके एक ही व्यक्ति का 3-3 बार ट्रांसफर, एक व्यक्ति आज ट्रांसफर हुआ, कल उसका निरस्त हो गया, परसों फिर ट्रांसफर हुआ, फिर निरस्त हो गया, ऐसा इन्होंने उद्योग धंधा चलाया, इनका ट्रांसफर उद्योग धंधा रहा है, 15 महीने के अंदर प्रदेश की स्थिति को चरमरा के रख दिया इन्होंने,
बताइए, बीजेपी विधायक जी ने जवाब दिया, आप बताइए। आदरणीय महोदय जी, विधायक महोदय, मेरे सीधे प्रश्न है, दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं। मुझसे नहीं, आप इनसे जी, सॉरी, समझ चाहूंगा जी। जी, मेरा यह कहना है भाजपा की सरकार से कि इस समय जो पिछले 2017 में जब गौरी भाऊ हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री थे, तो निश्चित रूप से एक सरकार ने एक योजना चलाई थी भावांतर, जो केंद्र में बोलते हैं मोदी जी हमने कि हम हर एक जो मापदंड है उनका, जो फसलें ली जाती हैं उसे हम MSP में खरीदेंगे। उन्होंने भावांतर का एक प्रलोभन देकर उस समय तो उन्होंने 2 साल खरीदी की, और केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव संपन्न होने के बाद तो खरीदी के फिर बंद हो गई मक्का की। तो क्या इस बार पुनः भावांतर योजना चालू होगी? मैं आदरणीय विधायक मुझे पूछना चाहूंगा। आपका फिर सवाल लूंगा मैं विधायक जी, वाकई में ये बड़ा मुद्दा, हम तमाम पूरे सिवनी जिले में घूमते हैं तो मक्के को लेकर काफी लोग परेशान हैं, गेहूं और धान की तो खरीदी हो जाती है, तो मक्के की खरीदी नहीं हो पा रही है। देखिए, मक्का असल में एक तरह से पशु आहार है, ऐसा कहा जाता है, तो मक्के का मूल्य जो है मिलता नहीं है। राजनांदगांव की, अब जैसे हमारे केवलारी तरफ सिवनी जिले में मक्का ज्यादा होता है और छिंदवाड़ा में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ के मक्के की उपज का जो है कीमत जो है सब कुछ डिपेंड करती है जो पशु आहार बनाते हैं उनके ऊपर। जैसे राजनांदगांव में एक जो अमेरिका की कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जब वो लेते हैं तब जो है रेट जो है खुलते हैं, बाकी तो सब चीजों में सरकार जो है समर्थन मूल्य में खरीद ही रही है, सरकारी खरीदी तो सभी में हो रही है, सिर्फ मक्का छोड़ के बाकी सभी में खरीदी हो रही है। बताइए जी, मक्का को पशु आहार कहा है कि पशु आहार, तो उसको मक्का को आदमी नहीं खाते क्या, मनुष्य नहीं खाते क्या? दरअसल क्या है, यदि मान लो वो पशु आहार है तो भारत में जो भाजपा की सरकार बैठी, भारत सरकार, क्या उन्हें नहीं दिखता? यदि नहीं दिखता है, यदि पशु आहार है, तो वो हमने MSP से अलग कर दें उस फसल को, जब वह न्यूनतम समर्थन में जो 17 फसलें ली जाती हैं उसमें मक्का को कैलकुलेशन किया जाता है कि हम उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे, उसका मूल तय किया जाता है। यदि मान लो वो पशु आहार, उसका मूल तय ही ना करें भारत सरकार, तो हमें आशा रहेगी नहीं, तो हम मक्का का फसल बोएंगे ही नहीं, तो हम दिक्कत ही नहीं होगी। बात करेंगे इस बारे में किसानों को मैं मुख्यमंत्री जी से हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने और जो कृषि विभाग है वो लगातार किसानों को बार बार समय समय पर जो है इस बात की सीख देता है कि अब हमको परंपरागत तरीके से फसल हटकर जो है हमको क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, अलग अलग जिन्सों की जो है फसल उगानी होगी, ताकि जमीन की उर्वरक भी जो है बनी रहे और आपको जो है मूल्य भी जो है दूसरे जिन्सों का जो है मक्का से या दूसरी फसलों से ज्यादा मिल सके। चलिए, कुछ और सवाल हैं, कुछ और मुद्दे हैं कांग्रेस के, बताइए आपके। बेरोजगारी आज चरम पे है, उसमें सरकार क्या कर रही है? विधायक जी, बेरोजगारी मैं उनसे राष्ट्रीय स्तर का सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ केवलारी में लोगों को रोजगार मिले। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी होता है फैक्ट्रियां कुछ लगे, स्थानीय प्रोडक्ट को लेकर कुछ तरह का प्रोडक्शन यहाँ पर, जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो इस दिशा में कुछ पहल करेंगे जिससे केवलारी? देखिए, हमने अभी इस्पात मंत्री जो है हमारे राज्य इस्पात मंत्री केंद्रीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कहा है, हमारे पास करीब 700-800 एकड़ जमीन जो है 3-4 जगह पर लोकेशन पे है, उगली में है और धनौरा क्षेत्र में है, और कुछ हमारा ये छींदा से लगे हुए क्षेत्र में है। तो हमने उनसे कहा कि अब आपके इस्पात मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ जो है यदि इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है तो वो उसको आप लगाइए। तो बड़ी खुशी की बात यह कि उसके लिए सर्वे भी आ गया है, आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि ये किसान प्रमुख क्षेत्र है पूरा केवलारी बेल्ट जो है, यहाँ की ज़मीनें भी बहुत उर्वरक हैं और बहुत महंगी हैं, और किसान भी बहुत मेहनत का से यहाँ का, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए सरकारी ज़मीन का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्षेत्र में जो है सीमित है। ठीक है, स्थानीय मुद्दे जी, आप बताइए आप किन तीन मुद्दों को लेकर जाएंगे, बस इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, आप बताइए किन तीन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे? हम विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि नहरों की बात को लेकर हम जाएंगे, इन्होंने नहरों का कोई काम नहीं करवाया, मैं आपसे बता रहा हूँ, भले आप बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप भैया केवलारी में रहते, आप किसान नहीं है, आप किसान होते तो किसान का दर्द जानते। विधायक जी खुद, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी खुद किसान नहीं है, जो किसान है वो अपनी कृषि उत्पाद कैसे बेचना है, कितना उसको मूल्य मिल रहा है, पानी वो कैसे ले रहा है, बिजली की क्या समस्या है, ये सब चीजों के बारे में किसान जानता है। भाई साहब, विधायक महोदय सेठ जी हैं,
और हमारे सचिन भैया भी सेठ जी हैं। मेरा ये कहने का मतलब है किसान किस पीड़ा से आज जूझ रहा है वो किसान को पता है, मैं आपको बता दूं भैया। मेरी बात सुनिए, मैं तो व्यापारी हूँ, इन्होंने कह दिया व्यापारी हूँ, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस हरवंत सिंह के पास राजनीति में आने के पास पहले जो है 1.5 एकड़ जमीन नहीं थी, जो बर्रा में अपनी बुआ के घर पे आके रह रहा था, उसके पास अचानक 10,000 एकड़ से ऊपर की जमीन कैसे आ गई और उसने अपने किसानों की सिंचाई के लिए बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब उसने धनोरा के किसी पटेल से जमीन खरीदी तो वहां पर स्पेशल जो है नहर बनवाकर ले गया और बाकी किसानों व्यक्तिगत लाभ लिया, और उसने अपने खेत में ऐसा कौन सा खाद, कौन सा बीज और कौन सा ऐसा पदार्थ डाला जिसकी वजह से उसकी फसलें जो है सोना उगलने लगी, और जिसके पास जो है 1.5 रुपए नहीं हुआ करता था आज वो अरबों रुपए का आदमी कैसे बन गया, पहले तो ये बताएं। किसान के प्रति संवेदना रखना अच्छी बात है, लेकिन किसानी से संबंधित ढोंग बताकर समाज में आना जो है ये तो बहुत गंदी बात है। और वो कहा करते थे कि मैं हतुआ की, दतुआ की, गाड़ी की, बैलगाड़ी की, खेत की, खलियान की सब जानता हूं, ये बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन इससे किसान का तो कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हरवंत सिंह का हुआ जिनके पास 1.5 बीघा जमीन भी नहीं थी, वो कहां से इतने बड़े आदमी बन गए। यही कारण है, मैंने चुनाव में यही जनता को बताया था कि मैं, मेरे को वोट देना या नहीं देना, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना भर बता दो कि हरमन सिंह के परिवार से सिर्फ इतना भर पूछ लो कि उसके पास यदि खेती थी, खेती आ गई थी, तो उसने अपने खेतों में ऐसा कौन सा बीज, कौन सा पानी, कौन सी खाद डाला कि वो सोना उगलने लगी। ये पीढ़ियां गुजर गई किसानों की यहां पर वहीं के वहीं, और नीचे डिमोशन हो गया। वो साइकिल पे चला करते थे, लोगों के पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल वाले साइकिल पे आ गए, वो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करते हैं। बताइए आपके सवाल पर, आप बताइए जी। विधायक जी कहते हैं कि उनकी जमीन में पानी मिलता है, पानी के लिए नहर लगाई गई। उस नहर से उनकी 1 एकड़ जमीन में नहीं सिंचती। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो सेठ साहूकारों का गांव वालों के प्रति रवैया रहता है, वो नफरत करते हैं गांव के लोगों से, तो भैया का नफरत करना स्वाभाविक है। एक गांव का आदमी जब ऊपर उठता है तो शहर के लोगों को थोड़ा उसकी आंखों की किरकिरी होता ही है, ये तो ये होना स्वाभाविक है, अच्छी बात है। ये मुद्दे पे आइए, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे हमने बताया ना, जो नहर, बिजली की समस्या को लेकर, बिजली की तो बताया विधायक जी ने, 133 की भी नहीं होगी तब बताएंगे ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, ग्राउंड में नहीं है, बिजली की रोड नहीं है, रोडों की स्थिति खराब है, देश के अंदर में सबसे ज्यादा, देश के अंदर में बेरोजगार और महंगाई के लेके ये सब चीजें फालतू फैल रही है। प्रदेश नगर पेयजल के नाम है, पानी बाहर आने के पेयजल के नाम है, विधायक जी हम बोल रहे विधायक, जहाँ तक विधायक जी की बात करें, विधायक जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि केवलारी विधानसभा में केवलारी एवं छपारा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना और दोनों नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। दूसरी बात में हमारे केवलारी को नलिया की बात करें तो 2 करोड़ रुपए की योजना केवलारी नगर पंचायत के लिए स्वीकृत हुई है, 2 करोड़ 42 लाख की यहाँ व्यवस्था की। रही बात में हर पूरी नगर पंचायत की मैं बात करूँ तो हर गाँव के लिए रोड के लिए माननीय विधायक जी ने बकायदा लेटर जारी किया है और आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे केवलारी नगर पंचायत समय पूरे गाँव में रोडें मिलेंगी। मेरा कहना आ रहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है और जब से हमारे विधायक जी यहाँ के विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि विधायक जी के आने के बाद से ही यहाँ पे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पुलों में, अभी आप देखेंगे वो तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। बिमला वर्मा जी के टाइम में 6 डॉक्टर हुआ करते थे, सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए, मैं तो वहाँ का गवाह हूँ, उसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ अस्पताल का, उनके टाइम में 6 डॉक्टर हुआ करते थे, फिर हमारे 3 विभाग के जो बड़े यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं उनके टाइम में 1 भी डॉक्टर नहीं था। यहाँ उपस्थित कई लोगों ने भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल किए, तब जाकर छपारा से हमें 1 डॉक्टर मिला था, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अभी 3 डॉक्टर वहाँ पर अभी सिविल हॉस्पिटल में है और यह विधायक जी की उपलब्धि है कि सिविल हॉस्पिटल केवलारी बन गया है। फाइनल कॉमेंट 2017 में जब फग्गन सिंह कुलस्ते जी माननीय सांसद महोदय यूपी के चुनाव के बाद जब ग्राउंड में आए थे तो 200 बेड का हॉस्पिटल की उन्होंने बात किए थे,
उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, घोषणा किए थे लेकिन क्या हुआ? इस बात के लिए मैं बोलूंगा, आज आज आप यहाँ से जाने के बाद में चलिए एमपी तक की चौपाल में सिवनी के केवलारी से फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए।